नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका आर्टिस्ट दोस्त यतिंद्रपाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है और उसी सीरीज के क्रम को आगे रखते हुए, ड्राइंग ट्यूटोरियल की सीरीज को आगे रखते हुए हम आगे की आज बात करते हैं। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप आर्ट में रुचि रखते हैं, कला में रुचि रखते हैं, तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बटन आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए। राइट फ्रेंड्स, तो फर्स्ट डे में हमने जो सीखा वो ये सीखा कि किस तरीके से हम बिना किसी स्केल की सहायता से हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि स्ट्रेट होती है। ठीक है, फर्स्ट डे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इसके साथ में हमने ये जाना कि एक सर्कल जो होता है वो भी हमको सही तरीके से बनाना कितना जरूरी होता है, क्योंकि लाइन और सर्कल ये दोनों हमें बार 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 यूज आएंगे। जब हम अभी ड्राइंग में आगे बढ़ेंगे, जब आगे हम काम करेंगे, तो ये दोनों चीजें, तो ये पहले और दूसरे दिन हमने ये प्रैक्टिस की। अब इन्हीं की सहायता से हमें कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। वो कैसे बनाना है हमें वो बताता हूं मैं आपको। देखिए, अब ये बना लिया इन्हीं के, इस लाइन की सहायता से हमें अब आगे क्या करना है। हम जो भी चीज देखते हैं अपने आसपास, वो सभी बेसिक शेप में होते हैं। बेसिक शेप आप अपने आसपास देखिए, आपके अगर आप अगर अपने घर पे सोफे पे बैठे हुए हैं, तो अपनी आप अपना दरवाजा देखिए, बेसिक शेप है। आप अपनी अलमारी देखिए, बेसिक शेप है। अपना बेड देखिए, बेसिक शेप है। आपके पास जो जग पड़ा होगा टेबल पे, वो भी बेसिक शेप है। आपके छत के ऊपर जो पंखा है वो भी कैसा है। ये सारे के सारे शेप, वो अगर आपको ड्राइंग करनी है तो आप कोई भी चीज जो दिख रही है रेफरेंस इमेज, उसको अगर बेसिक शेप में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इस लाइन की सहायता से अब हमको आगे क्या प्रैक्टिस करनी है। तो आगे प्रैक्टिस ये करनी है दोस्तों, अब देखिए, अब हमको बनाना है रेक्टेंगल इन्हीं लाइन की मदद से। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड अगेन स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी है रेक्टेंगल की। ये ऐसे नहीं बनाना है आपको, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये गलत तरीका है। आपको ऐसे ही बनाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये रिपीट आपको, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि कई बार करना है आपको, आपको इससे आपका हैंड बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आपको फिर किसी स्केल की जरूरत नहीं रह जाएगी आने वाले कुछ समय में, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो ये बार 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 आपको रिपीट करना है। राइट फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखिए ये सेशन कैसा लग रहा है। देखिए, जो मुझे आता है, मैं एक दिन में सारी चीजें आपको बता सकता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए वो सारी चीजें सीखना वो संभव नहीं है एक साथ एक दिन में। तो मुझे ये क्या आता है मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं। मैं अभी आपको आप कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, अपने स्किल्स को, वो मैं बता रहा हूं, उस स्तर पर जाके आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसको बिल्कुल आप आगे मत बढ़िएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे करते जाइए। क्योंकि अगर हम इन चीजों को छोड़ देते हैं ना, तो वही चीज होता है, हम आगे तो बढ़ते हैं लेकिन दक्षता हासिल नहीं हो पाती है। इसलिए ये ड्राइंग की ग्रामर है दोस्तों, इसको बिल्कुल आप ध्यान से कीजिएगा। ये हमने किया, इसके बाद देखिए, इसी की मदद से हमको 1 2 और ये 3 ये ट्रायंगल बनाना है हमको। इसकी भी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है कि बिना स्केल की सहायता से आपकी लाइन बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। अब हमने क्या सीखा यहां पर, देखिए, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। बाकी ये लाइन हम देख चुके हैं कि इसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है। अब इन्हीं की मदद से देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि कैसे हम बना सकते हैं बेसिक शेप से। सपोज कीजिए हमको एक हाउस बनाना है, यहां पर देखिए, तो हाउस में क्या क्या लगेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो भाई देखिए, ये हमने बनाया एक ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद ये लाइन आई स्लैंट लाइन आपकी,
ये आपने वापस मिला दिया, ये स्लिपिंग लाइन आ गई आपकी। उसके बाद यहां से देखिए, ये दो, ये वन टू और ये थ्री, क्या बन गया ये एक रेक्टेंगल। ऐसे यहां भी देखिए, ये हमने इसको मिला दिया, ये भी रेक्टेंगल बन गया एक। और यहां पर इसके दरवाजे बनाने हैं अगर हमें तो दरवाजा बनाने के लिए कैसे, ये देखिए यहां भी आपने क्या किया, ये चीज किया तो ये आपका दरवाजा बन गया। यहां विंडोज बनानी है आपको, देखिए ये दो स्क्वायर बना दिए यहां पर आपने, ये विंडोज बन गई। ऐसे ही ये वेंटिलेशन के रोशनदान, आपने एक सर्कल बना दिया, ये रोशनदान बन गया। तो अब देखिए आप कितने सारे शेप यहां पर निकल के आ रहे हैं, इन्हीं शेप से हमने एक हाउस बना लिया, ठीक है। ये छोटी सी चिमनी बना दी, यहां भी एक रेक्टेंगल बना दिया, छोटी सी चिमनी आ गई, देखिए कितना सिंपल है। तो जब हम किसी भी ड्राइंग को बनाते हैं और उसको शेप्स में तोड़ लेते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है वो। और इसी तरह हमको अपनी ड्राइंग को सिंपल बनाना है, रेफरेंस में देख रहे हैं उसको देख देख के। देखिए ट्राइंगल आ गया, ये भी एक रेक्टेंगल ही है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, सर्कल है, तो ये हमारा घर तैयार हो गया, राइट फ्रेंड्स। अब इसी क्रम में आगे हम बढ़े हैं, तो और आगे क्या क्या बना सकते हैं, हर चीज जो चीज देखना चाहें आप देखिए, वो चीज सारी इसी से बनती है। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल, अब यहीं एक और रेक्टेंगल लिया मैंने, देखिए ये इन कोनों को मिला दिया, ये क्या बन गया एक बॉक्स बन गया। तो सब पूरी लाइनों का खेल है, सब लाइनों का खेल है यहां पर, लाइन और बेसिक शेप्स, पूरी की पूरी ड्राइंग इसी के अंदर से आएगी, चाहे आप कुछ भी बना लें। उसके बाद हमने क्या प्रैक्टिस किया था, लाइन के बाद में हमने कर्व लाइन की प्रैक्टिस की थी, कर्व लाइन की प्रैक्टिस की थी। अब कर्व लाइन कैसी, ये हमारी कर्व लाइंस, ठीक है। इसके बाद हमारा हमने प्रैक्टिस की थी हमारे सर्कल की, देखिए इनसे हम क्या चीज बना सकते हैं। ये एक चीज और है, सर्कल को थोड़ा साफ करेंगे तो ये बन जाएगा ओवल, इसकी भी हमको प्रैक्टिस करनी है। ये सब बेसिक शेप है दोस्तों, देखिए अब इसकी मदद से जैसे ये हमने बनाया एक ओवल बनाया, अगर मैं कहूं तो क्या चीज है, ये ओवल है, बीच में से इसके हमने एक लाइन डाल दी, स्टैंडिंग लाइन, राइट। और इसके बाद अब देखिए ये क्या है, ये एक कर्व लाइन है, आप इसको हाफ सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है। ये ओवल हो गया, ये कर्व लाइन हो गई, और इसके बाद ये देखिए ये भी एक कर्व लाइन, ये हमने नीचे मिला दिया, और यहां पर एक ये ओवल और बना दिया हमने, देख सकते हैं आप यहां पर उन्हीं बेसिक लाइंस, बेसिक शेप्स की मदद से हमने एक पॉट बना के रेडी कर दिया यहां पे, जहां पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर है। इसको और अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बनाया है कि बेसिक शेप से हम कितनी सारी चीजें बना सकते हैं। ओवल हो गया, ये कर्व लाइन हो गई, ये भी कर्व लाइन है, ये भी कर्व लाइन है, ये भी ओवल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए आपको कुछ और चीजें बनानी है, सपोज कीजिए आपको एक साइकिल बनानी है, तो साइकिल में क्या चीज बनेगी, देखिए ये साइकिल में सबसे पहले तो भाई एक सर्कल बन गया, जो टायर का रूप ले रहे हैं ये, ठीक है। और इसके बाद यहां पे देखिए ये इसकी फ्रेम हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां इसकी ये सीट हो गई, और देखिए ये कर्व लाइन डाली, हैंडल हो गया, ये सीट हो गई। तो इस तरीके से यहां पर देखिए आप, इसमें बेसिक शेप्स क्या दिख रहा है आपको, ये लगभग अभी और अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया आपको यहां पर देखिए इनकी मदद से हम एक साइकिल ये हमने बनाई, ट्रायंगल, सर्कल, सर्कल, ये कर्व लाइन,
तो थोड़ा सा और हम डिटेल करेंगे इसमें तो और अच्छा आ जाएगी। लेकिन बेसिक चीज बताना क्या चाह रहा हूं मैं आपको कि बेसिक शेप से ही सारी की सारी चीजें बनेंगी। अब देखिए इसी में अगर मैं आपको बताऊं कर्व लाइन से, ये देखिए ये कर्व लाइन गई हमारी, ये कर्व लाइन दोनों को मिला दिया हमने और यहां से एक लाइन डाल दी हमने और ये लाइंस देखिए लीव्स बन गया। ऐसे ही हम यहां पर आएंगे तो आइस, ये भी कर्व लाइन है। इसके बाद ये हमारा सर्कल कर्व लाइन, फिर सर्कल, और इस तरह से आप देखेंगे तो एक हमने यहां पर ये हमारी आईज को एक बेसिक शेप हमने दे दिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग बेसिक्स की प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक्स के प्रैक्टिस के बिना हम अपनी ड्राइंग को मजबूत नहीं कर सकते हैं, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। ये चीज मैं जो अभी आज नए आए हूं, इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उन वीडियो पे जाइए और आप फिर से देखिए कि क्या क्या चीज मैंने बताया हुआ है। और अभी एक और बात बताना चाहूंगा आपको कि स्टार्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे टूल्स अभी नहीं रखने हैं, केवल ये आपका जो पेपर दिख रहा है ये नॉर्मल से नॉर्मल पेपर और ये नॉर्मल से नॉर्मल पेंसिल, इसी से आपको काम करना है केवल अभी, ठीक है। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा कि ये सेशंस कैसा लग रहा है आपको, और अगर आप वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए इन्हीं बेसिक स्टेप्स की मदद से अब ये आंख के बाद में बताऊंगा आपको। देखिए कैसे ये एक सर्कल लिया, बड़ा सर्कल, ठीक है, इसके पास एक छोटा सर्कल और ये इधर भी छोटा सर्कल। अब देखिए इनको इस तरीके से मिला दिया, ये बन गई एक नाक। इस पर मैं अलग से पूरा सेशन बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, आपको अभी यहां पर समझा रहा हूं कि देखिए बेसिक चीजें कैसे हमारे ड्राइंग को प्रभावित करती हैं, और इन्हीं में से सारी चीज, हम कहीं से बाहर गए क्या? देखिए अगर ये नाक बनाई हमने तो सर्कल से ही तो बना रहे हैं हम, और लाइन डाली हमने, आंख बनाई हमने, यहां भी क्या किया कर्व लाइन सर्कल, ये मटका बनाया हमने क्या किया ओवल, और ये कर्व लाइन के थ्रू हमारा और ये ओवल के थ्रू हमारा ये मटका बन गया। साइकिल में भी यही चीज हुई, गोल गोल सर्कल और ये आपका रेक्टेंगल ट्राइंगल कर्व लाइन, ये बन गई साइकिल और ये ऐसे पत्ती। ऐसे ही दोस्तों आज आपका टास्क है कि आप प्रैक्टिस करते करते आप देखिए घर में जितनी भी चीजें हैं आपके आसपास लगी हुई हैं, आपके पास रखी हुई हैं, उन सभी चीजों को देखिए, रखिए सामने और बेसिक शेप से ये बनाइए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।